अयोध्यापुरम से 8 किलोमीटर आगे बसा है वल्लभीपुर शहर। इसका ऐतिहासिक महत्व है। सदियों पहले ये शहर जैन धर्मों का केंद्र था। उस समय वल्लभीपुर का बोलबाला पूरे भारत भर में था। ये वही शहर है जहां देवार्धिगणी श्रमाश्रमण महाराज के मार्गदर्शन पर जैन आगमों को लिपिबद्ध किया गया। कितनी ही ऐतिहासिक घटनाओं का गवाह है वल्लभीपुर। ये शहर साक्षी है मैत्रेय शासन का, कालकाचार्य महाराज के पदार्पण का, ध्रुवसेन राजा का, राजा ध्रुवसेन के नौजवान पुत्र के अकाल मृत्यु का। काफी उतार चढ़ाव देख चुका है वल्लभीपुर शहर। सुप्रसिद्ध जैन ग्रंथ विशेषावश्यक भाष्य के रचनाकार जीन भद्रगणी श्रमाश्रमण के पदार्पण से पावन बने वल्लभीपुर में ही श्री धनेश्वर सूरीजी महाराज ने शत्रुंजय महात्म्य की रचना की है। शासन सम्राट पूजनीय आचार्य श्री विजय नेमी सुरेश्वर जी महाराज के मार्गदर्शन अनुसार वल्लभीपुर तीर्थ का पुनरोद्धार किया गया। उत्तम कला और तपस्या का मूर्त रूप इस मंदिर के गर्भागृह में विराजमान है। 51 सेंटीमीटर ऊंची एक मूरत कपिश रंग में, जो है पद्मासन की अवस्था में बैठे मूल नायक श्री आदेश्वर भगवान। ऐसा कहा जाता है कि ये तीर्थ शत्रुंजय तीर्थ की घाटी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। उनके द्वारा नवनिर्मित जिनालय के तलघर में देवार्धिगणी श्रमाश्रमण सहित 500 आचार्यों की मूर्तियां प्रस्थापित की गई है। इस तरह आगम लेखन के काल की यादों को संभाल कर रखने का प्रयास किया गया है। इस देरासर में श्री विजय नेमी सुरेश्वर जी की एक देरी है। इतिहास, पुराण, कला और भक्ति का इससे अद्भुत मिश्रण क्या हो सकता है। यहां धर्मशाला, भोजनशाला, उपाश्रय वगैरह स्थापत्य आपकी जरूरत अनुसार बनाए गए हैं।